मैं आज फिशरीज यूनिवर्सिटी यारी रोड यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ पर आज 16वां दीक्षांत समारोह के वजह से फेस्टिवल का आयोजन किया हुआ है जो कि 20 मार्च और 21 मार्च दो दिन है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर दो दिन का फूड फेस्टिवल रखा है तो आप भी इसका आनंद ले सकते हैं। अंदर चलिए, अभी हम यहाँ पे स्टॉल और जो फेस्टिवल का आयोजन किया है वो देखते हैं। बाद में फिर देखेंगे हम कि यहाँ पर लगे हुए स्टॉल जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो स्टूडेंट लोग के डांस यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ जो स्टॉल लगे हैं खाने के यहाँ पर हर एक। एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन एबीआई सेंटर, बाय सर। यह है नॉर्थ सेंट्रल ग्रुप। यहाँ पर जो फिश के प्रोडक्ट्स जो आपको देखने को मिलेंगे, अभी अगला स्टॉल मैडम ये क्या वाला है? ये बायोचार कितने का है कि बायोचार वाले पॉन्ड में जो पिटिशन करते हैं यस, तो बायोचार डालने से हम देखते हैं कि पानी का क्वालिटी अच्छा हो रहा है, सीमेंट का क्वालिटी बहुत अच्छा हो रहा है और जब मछली को खिलाते हैं फीड में तो मछली का ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। तो बायोचार के कारण क्या है कि इसका जो ग्रोथ है एब्जॉर्प्शन है नीचे वो अच्छा हो जा रहा है और हमने इसका वाटर ट्रीटमेंट पर भी काम किया है तो जो कंटामिनेंट है तो बायोचार क्या कर रहा है कि उसको एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। एब्जॉर्ब करने से क्या होता है कि इसका मान लीजिए 50% एब्जॉर्ब हो गया तो 50% जो कंटामिनेंट है उसमें लेमना ग्रो कर लेता है और फिर उसको डिटॉक्सिफाई करता है। तो उससे क्या होता है कि पानी की जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है, उस पानी को आप एक्वाकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं। ओके,
मैडम ने अभी हमें जानकारी दी है। क्या बोलता है?
ठीक है जी, अभी मैं सागर जा रहा हूँ, बच्चों को ठीक से देख लेना। Thank you.